क्या काम कह रहे हो यार? हैं बोलो, मतलब पूरी सेवा कराओगे? हैं मतलब गाइस देख रहे हो, तबीयत खराब है, पूरी सेवा कराई जा रही है। कब तक के हैं ये मजे? एक दो। तो गाइस अब पानी गर्म करना है क्योंकि हमारी मैडम को चाहिए हॉट वाटर, नॉट हॉट वाटर, इट्स बेसिकली वार्म वाटर। तो अभी हम करते हैं पानी गर्म। तो गाइस पानी गर्म हो चुका है, गर्म नहीं मतलब वार्म हो चुका है यार। एंड अभी हम अपनी वाइफ को थोड़ा सा वार्म वाटर पिलाएंगे। तो चलते हैं मैडम के पास। मैडम को यार ज़्यादा गर्म हो गया भाई, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो भाई हाथ जल गया आज तो। एक मिनट, थोड़ा ठंडा पानी मिक्स कर लेते हैं इसमें। भाई इस पानी बहुत गर्म हो गया था, हाथ जल गया था मेरा, कुछ ज़्यादा ही केयर करने लग गया था। ये लीजिए मैम आपका वार्म वाटर। ये कैप्चर नहीं करना था। क्यों नहीं करना था कैप्चर? तो देख रहे हो गाइस, इसको शर्म भी आ रही है, एक तो सेवा भी करा रही है, ऊपर से शर्म भी आ रही है। और शर्म नहीं आ रही है, कह रही है मैं आऊँगी नहीं व्लॉग में। मैंने कहा ठीक है, तो जिस दिन मैं फेमस हो गया ना तो उस दिन मैं नहीं लूँगा फिर व्लॉग में। तो आप बताओ गाइस, वोट फॉर दी सपोर्ट कि इसको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। और अगर अभी नहीं आएगी तो फिर ये बाद में भी नहीं आएगी। आप खुद का बनाएंगे अपना? ठीक है आप खुद का बनाना, हम आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हम आपके व्लॉग में नहीं आएंगे फिर। तो गाइस आप देख सकते हैं आज इसकी बातें हैं कि मैं व्लॉग में नहीं आऊँगी। ठीक है नया, एंड हंस रही है, हंस रहे हो यार, नाम तो बता ही सकता हूँ। नेहा, नेहा तो बहुत सारी है, नेहा धूपिया, नेहा शर्मा, नेहा कक्कड़, हर दूसरे गली मोहल्ले में नेहा है भाई। तो आपको पता है कि कौन सी नेहा की बात कर रहा हूँ मैं? नहीं ना, तो आपको जल्दी दिखाऊंगा कि कौन सी नेहा की बात है, बस ये तैयार हो जाए। कहते हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं आती, हंस रही, ये ऐसी नहीं होती। गाइस बताओ, एवा बताओ, यूट्यूब पे अगर आप हम मेरे को देखते हो तो अच्छा लगता होगा ना थोड़ा बहुत? ठीक है जलने वाले भी होंगे, लेकिन अच्छे लगने वाले भी तो होंगे ना जिनको मैं अच्छा लगता हूँ, है ना? तो जनता बहुत डरती। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गुड मॉर्निंग सबको। तो आज का मेरा प्लान ये है कि आज मेरी फिर से एक मीटिंग है, और काफ़ी बड़ा कस्टमर है हमारा, उससे आज हमारे हम बेसिकली उसके पास आज डेमोन्स्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। ओके बाय। निकल चुका हूँ अपने मीटिंग के लिए, एंड आज की मीटिंग जो है वो काफ़ी बड़े कस्टमर के साथ है हमारे, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है आज की भी, क्योंकि आज हम अपने प्रोडक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन देने जा रहे हैं वहाँ पर। तो वहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो उनके मीटिंग रूम्स के लिए है। बेसिकली मैं मीटिंग रूम सॉल्यूशंस और जितने भी कॉरपोरेट्स हैं मैं उनको हैंडल करता हूँ, लाइक बिग फोर्स जो रहते हैं, एंड उनमें जहाँ पे भी जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड सॉल्यूशंस रिक्वायर्ड रहते हैं वो बेसिकली हम प्रोवाइड करते हैं। एंड मैं सेल्स देखता हूँ यहाँ पे कुछ की अकाउंट्स के लिए, राइट। सो अभी हम निकलते हैं अपनी मीटिंग की तरफ, और मीटिंग से जैसे ही मैं फ्री होऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मीटिंग कैसी गई। सो गाइज आई एम बैक फ्रॉम द मीटिंग, एंड आज की मीटिंग हमारी काफ़ी सक्सेस हुई है, बिकॉज कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट थी वी वर एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस। एंड उसमें उनका बेसिकली मीटिंग रूम के साइज के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन स्टार्ट हुआ था, बिकॉज एवरीबडी नोज की आर प्रोडक्ट्स, बिकॉज नोज दैट आर प्रोडक्ट आर रियली गुड, राइट। एंड उसको उस पर कोई डाउट नहीं था, इट वॉज जस्ट लाइक कि उसको मीटिंग रूम साइज के ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेना था कि इस मीटिंग रूम साइज पे वो प्रोडक्ट ढंग से काम करेगा नहीं करेगा। सो वी हैव फाइनली टेस्टेड, इट्स अप्रूव्ड, नाउ देर इज वन मोर राउंड ऑफ मीटिंग फॉर अनदर रूम, बिकॉज आज वो रूम ऑक्यूपाइड था कस्टमर प्लेस पे। सो डेफिनेटली इसी हफ्ते में शायद हम दोबारा से उस कस्टमर के पास जाएंगे, एंड स्लोली एंड स्टेडली आई विल ऑल्सो स्टार्ट टेलिंग यू द नेम्स ऑफ माई क्लाइंट वेयर आई विजिट। सो ऑल दोज क्लाइंट्स आर वेरी बिग कस्टमर्स, सो दीज आर ग्लोबल कस्टमर्स दैट आई लुक आफ्टर, राइट। सो द रिक्वायरमेंट इज वेरी ह्यूज, बट इट्स नॉट लाइक दैट कि जो हम बोलेंगे वो कर लेंगे, उनकी भी अपनी कुछ रिक्वायरमेंट रहती है यार,
तो अकॉर्डिंगली सब अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही काम करते हैं। बाकी आज मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, नोएडा में बारिश हो गई, क्या बात। मतलब अनएक्सपेक्टेडली इस दिन तक काफ़ी गर्मी थी, उमस हो रही थी, काफ़ी ह्यूमिडिटी थी, लेकिन अभी एकदम से इतना अच्छा मौसम हो गया। आई विल शो यू गाइस, जस्ट वेट। सो सी, द एटमॉस्फेयर इज रियली गुड, द एनवायरनमेंट इज रियली गुड। अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो 5 ही बजे और आजकल 5 बजे आपको पता है धूप निकलती रहती है, 6:30 बजे धूप जाती है, लेकिन आज इतना अच्छा मौसम हो रहा है कि मज़ा आ गया। मन तो और भी कुछ कर रहा है, लेकिन लेकिन टुडे इज ट्यूजडे, तो एंड तो समहाउ मेरे को वो चांस नहीं मिल पाएगा, तो आई होप आप समझ गए होंगे जो देख रहे हैं। बट डेफिनेटली इट्स गुड वर्किंग आउट हियर एंड मज़ा आ गया आज भाई, मज़ा आ गया मीटिंग करके सच में। मतलब वहाँ पे ग्राउंड लेवल से लेके मैनेजमेंट तक इन्वॉल्व हो गया था आज मीटिंग में, एंड बहुत ही ज़्यादा तगड़ी मीटिंग हुई है भाई, बहुत तगड़ी। जैसे कहते हैं ना एल्विश के भाषा में, सिस्टम हैंग कर दिया था भाई साहब, आज तो उनका सिस्टम ही हैंग कर दिया था हमने। मतलब जो क्वेश्चन वो पूछ रहे थे ना भाई, सबके आंसर थे हम पे, क्योंकि जिस चीज़ के लिए उन्होंने बुलाया था उस प्रोडक्ट पे हमको इतना कॉन्फिडेंट है कि हाँ वो काम करेगा, और वो करा। सो इट्स अ बिग सक्सेस फॉर अस एज एन ऑर्गेनाइजेशन। और बाकी तो मैं आपको बताते ही रहूँगा यार कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। आपको तो पता ही है सेल्स वालों के नंबर्स होते हैं, एंड हम सेल्स वाले नंबर्स के आसपास ही घूमते रहते हैं। तो डेफिनेट तो भाई अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, और अभी घर जाके मेरे को अपनी वाइफ को देखना है, क्योंकि यार उसकी तबीयत ख़राब थी आज भी। उसको पिछले 3 दिन से फीवर आ रहा है और जा रहा है, और बॉडी में काफ़ी है, क्योंकि आपको पता ही है कि आजकल डेंगू कितना फैल रहा है। तो आप लोग भी अपना प्लीज़ ध्यान रखें, थोड़ा हाइजीनिक रहें, क्योंकि ये जो डेंगू है ये काफ़ी स्पीड से फैल रहा है आजकल। मतलब सिर्फ दिल्ली या NCR में नहीं, मेरे जो मेरा होम टाउन है देहरादून, वहाँ पे भी काफ़ी फैल रहा है। तो प्लीज़ लोग अपना ध्यान रखें। और बाकी मैं अभी घर पहुँचता हूँ ताकि मैं अपनी वाइफ को देख सकूँ, अगर उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब लगी तो डॉक्टर पे ले जाऊँगा दोबारा, एंड अगर फीवर रहा तो उसका टेस्ट करवाना पड़ेगा डेंगू का, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। जो चीज़ स्टार्टिंग में ही ठीक हो जाए यार, वो अच्छा है ना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो मिलते हैं, अभी आपसे बात करेंगे, पहले घर जाके एक बारी अपने वाइफ को देख लूँ यार, बहुत बेचारी अकेली है, मेरे को अपने मीटिंग में जाना होता है, तो वो भी मिस कर रही होगी, मैं भी मिस कर ही रहा हूँ ऑब्वियसली। भाई एक तो ये ट्रैफिक कब ख़त्म होएगा NCR से, पक गया हूँ मैं। इतनी चौड़ी चौड़ी सड़कें होने के बाद भी साला इतना ट्रैफिक रहता है भाई, इतना ट्रैफिक रहता है, मूड ऑफ यार। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, और मेरी वाइफ की तबीयत अभी ख़राब है, और ये अंधेरा करके लेटी हुई है। कितना आया बुखार है? 100.9। कितना? 100.9। तो भाई डॉक्टर पे चलना पड़ेगा ना, दवाई लाऊं दोबारा और हैं? तो गाइस मेरी वाइफ की तबीयत ज़्यादा ख़राब लग रही है, तो उसके लिए मैं अभी दाल ले रहा हूँ, एंड दाल लेने के बाद थोड़े से फ्रूट्स लेंगे, उसके लिए नारियल पानी लेंगे ताकि वो कल सुबह नारियल पानी पी सके, क्योंकि ऐसे टाइम पे लिक्विड डाइट ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि आपकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो सके। तो गाइस कुछ ये आया है, इसको अभी हम काटते हैं, कैंची भी नहीं चल रही गाइस। दिस इज किमची एंड इट्स समथिंग रिलेटेड टू कोरियन फूड, तो ये हमने आज अनबॉक्सिंग करी है, एंड लेट मी जस्ट टेस्ट कि ये कैसा है गाइस। तो ये कुछ ऐसा दिखता है, खुशबू तो बड़ी लहसुन वाली है, लेकिन टेस्ट करने में काफ़ी डर लग रहा है, मैं टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि कैसा है।
लहसुन भरा हुआ है भाई इसमें, बट काफ़ी टेस्टी है, अगर खाने के साथ आप खाओगे तो काफ़ी टेस्टी लगेगी। सो गाइज, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे ही ख़त्म, एंड टिल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में।